नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया सनसनी पर इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। आज श्री बालाजी सेना भारत हिंदू संगठन द्वारा संचालित श्री राम सीता रसोई द्वारा नया मुरादाबाद सेक्टर 6 में निःशुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम हनुमान कथा जो कि आचार्य पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा की जा रही है, जिसकी उपलक्ष्य निःशुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बालाजी सेना भारत हिंदू संगठन के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व भाजपा सांसद शीशराम सिंह रवि जी उपस्थित हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री बालाजी सेना भारत हिंदू संगठन के निम्नलिखित पद अधिकारियों की भूमिका रही। अनिल कुमार सक्सेना, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अमित कुमार राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश एवं प्रदेश सह प्रभारी उत्तराखंड संजीव रोहेला, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश हरिओम सैनी, क्षेत्रीय पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रदीप प्रजापति, क्षेत्रीय सचिव पश्चिमी उत्तर प्रदेश मोहित कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष पूनम सैनी, महिला मोर्चा क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अच्छा, आज ये जो रसोई पर खाना खा रहे हो, कैसा है ये बताइए। कोई पैसा तो नहीं लिया है आपसे? नहीं नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। राम राम, कैसे हो भाई? थोड़ी चावल कर दियो। सक्सेना जी, पेड़ भर के खाओ। आज सेवा आइए। आज आज क्या क्या कहोगे? आज आज कड़ी चावल है, श्री राम सीता रसोई निःशुल्क भोजन सेवा। अच्छा, और क्या व्यवस्था की गई है आपकी तरफ से? आज की व्यवस्था यही, बाकी कल से देखा जाएगा क्या व्यवस्था रहेगी। अच्छा, की व्यवस्था 3 दिन की है। अच्छा, लोगों का आने का प्रबंध है। अच्छा, मैं शीशराम सिंह रवि, पूर्व सांसद लोकसभा बिजनौर उत्तर प्रदेश से हूँ, और आज श्री बालाजी सेना भारत हिंदू संगठन का भी मैं राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। मेरे साथ में राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बालाजी सेना के जो है अमित सिंह राजपूत जी हैं, और अनिल सक्सेना जी हमारे साथ हैं। आज यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री पंडित जी का जो है उद्बोधन हनुमान कथा के रूप में वो प्रस्तुत करेंगे, और उनकी कथा को सुनने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग, मुरादाबाद के लोग बहुत खुशी मना रहे हैं। आज बड़ी संख्या में बहुत बड़ी भीड़ जो है सुनने वालों की कथा को सुनने आ रहे हैं लोग बाग, और मैं समझता हूँ कि ये जगह जहाँ कथा हो रही है ये कम से कम जो है मतलब 50 एकड़ से भी अधिक जमीन है। कितने भक्त लोगों के आने की संभावना है आज? कल 3 दिन कार्यक्रम चलेगा। मैं समझता हूँ कि 2 से 3 लाख आदमी तो इस समय मौजूद है पंडाल में और पंडाल के आसपास में। क्या प्रोग्राम रखा है आपने जी? आज क्या प्रोग्राम रखा है आपने? हमने आज जो है इस कार्यक्रम में आने वालों को निःशुल्क भोजन जो है श्री बालाजी सेना भारत की ओर से श्री राम सीता रसोई के द्वारा जो है भोजन वितरण कर रहे हैं, और जो बाहर से लोग आए हैं उनको निःशुल्क भोजन जो है हम करा रहे हैं। आपका? मेरा नाम अमित राजपूत है जी। आज क्या प्रोग्राम है आपका रखा गया है? आज हमारा श्री राम सीता रसोई है श्री बालाजी सेना भारत हिंदू संगठन द्वारा संचालित, उस पर निःशुल्क भोजन वितरण का प्रोग्राम रखा गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की यहाँ हनुमत कथा हो रही है मुरादाबाद सेक्टर 6 में, उसके उपलक्ष्य में हम सब बालाजी संगठन के लोगों ने मिलकर श्री राम सीता रसोई पर निःशुल्क भोजन वितरण का प्रोग्राम रखा है। मेरे साथ में हैं पूर्व सांसद शीशराम रवि जी, और साथ में हैं भाई हरिओम सैनी जी, क्षेत्रीय महामंत्री हैं, और महिला मोर्चे से क्षेत्रीय अध्यक्ष पूनम सैनी जी हैं। मेरे साथ हैं भाई अनिल सक्सेना जी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। साथ में हैं संजीव रोहेला जी, क्षेत्रीय सचिव हैं, और मैं इसी के बीच अपनी वाणी को विराम देता हूँ।